सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी हैव गोइंग टीच यू क्लास थर्ड सब्जेक्ट SST चैप्टर सेकेंड प्ले टाइम। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में आपको इंडोर गेम पढ़ाया था। इंडोर गेम दैट मीन्स वे गेम है जो हम घर के अंदर खेलते हैं, जैसे कि आपकी कैरम है, सांप सीढ़ी है, लूडो है, इस तरह के गेम्स इंडोर गेम में आते हैं। सो लेट स्टार्ट आउटडोर गेम। आउटडोर गेम्स आर द गेम्स दैट कैन बी प्लेड आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ ए हाउस। आउटडोर खेल वे खेल हैं जिन्हें हम किसी घर की सीमा के बाहर खेलते हैं या खेला जा सकता है। वी हैव फन व्हेन वी गो टू ए पार्क इन आवर नेबरहुड विद अदर चिल्ड्रंस। हमें मज़ा आता है जब हम अन्य बच्चों के साथ अपने पड़ोस में एक पार्क में जाते हैं। वी प्ले गेम लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल एंड बैडमिंटन देयर इन द ओपन। हम वहाँ खुले में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन जैसे खेल खेलते हैं। वी ऑल्सो प्ले हाइड एंड सीक, हम लुका छिपी भी खेलते हैं। द पार्क हैज स्लाइड्स, सी सोज, स्विंग्स एंड मेरी गो राउंड टू। पार्क में स्लाइड दैट मीन्स फिसलन, झूला, आरे दैट मीन्स आगे पीछे, मेरी गो राउंड भी खेलते हैं। आरी दैट मीन्स ऐसा खेल है जो जिस पर बैठकर हम आगे पीछे होते हैं। राइडिंग ए साइकिल एंड रोलर स्केटिंग आर एंजॉयड बाय मैनी पीपल। साइकिल चलाना और रोलर स्केटिंग कई लोगों द्वारा आनंद लिया जाता है। दे आर एक्साइटिंग स्पोर्ट्स एंड ए गुड एक्सरसाइज टू। वे रोमांचक खेल हैं और एक अच्छा व्यायाम भी है। स्विमिंग इज ए स्पोर्ट दैट पीपल एंजॉय। तैराकी एक ऐसा खेल है जिसका लोग आनंद लेते हैं। इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग एंड गुड फॉर आवर बॉडी। यह हमारे शरीर के लिए बहुत आरामदायक और अच्छा है। वी हैव फन एंजॉयड ए पपेट्स शो, विजिटिंग ए सर्कस, सिनेमा हॉल एंड म्यूजिक प्रोग्राम्स। हमने एक कठपुतली शो का आनंद लिया, एक सर्कस, सिनेमा हॉल और संगीत कार्यक्रमों का दौरा किया। सम ऑफ अस विजिट आवर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। हममें से कुछ लोग अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ वेरियस आइडियाज। यह विभिन्न विचारों के आदान प्रदान में मदद करता है। गेम्स पास्ट एंड प्रेजेंट। हमारे पास्ट की गेम और प्रेजेंट की गेम्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन आवर ग्रैंड पेरेंट्स वर आवर ऑफ आवर एज दे ऑल्सो एंजॉय टू प्ले गेम्स। जब हमारे दादा दादी हमारी उम्र के थे तो उन्हें भी खेल खेलना अच्छा लगता था। वट देयर गेम्स वर डिफरेंस फ्रॉम द गेम्स दैट वी प्ले। लेकिन उनके खेल उन खेलों से अलग थे जो हम खेलते हैं। चिल्ड्रंस इन दोज डे प्लेड विद मार्बल्स, गिल्ली डंडा, पिट्ठोस एंड आँख मिचोली, आइस वाइस। उन दिनों बच्चे मार्बल, गिल्ली डंडा, पिट्टू और आँख मिचोली, आइस वाइस के साथ खेलते थे। गर्ल्स यूज टू प्ले हॉप स्कॉच एंड इलास्टिक। लड़कियाँ हॉप स्कॉच और इलास्टिक बजाती थी। हॉप स्कॉच एक ऐसा खेल है जो स्क्वायर को छोटे छोटे सिमिलर स्क्वायर में डिवाइड किया जाता है और एक स्टोन के टुकड़े से एक लंगड़ी के द्वारा खेला जाता है, जिसको हम आम भाषा में लंगड़ी टांग कहते हैं। और इलास्टिक दो लड़कियों एक इलास्टिक को दो लड़कियों की टांगों में मतलब बांध दिया जाता है और जिस पर तीसरी लड़की कूदती है। दे प्लेड गेम दे प्लेड घर घर इनसाइड द हाउस विद डॉल्स एंड टॉयज। उन्होंने गुड़िया और खिलौनों के साथ साथ घर घर खेला, मतलब लड़कियों ने
गुड़िया और खिलौनों के साथ घर घर खेला। थैंक यू।